गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। आज हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो सुबेक्स लिमिटेड का शेयर है। देखिए 22.85 रुपीज पे चल रहा है, मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपको किस वैल्यू पे बाई करना है और क्या टारगेट रखने हैं, जो पहले से बाई करके रखे हैं उनको कब तक होल्ड करना है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए मैंने अभी लेटेस्ट में ही तीनों स्टॉक जो थे मल्टी बैगर या ये कह लीजिए कि करोड़पति बनाने वाले शेयर्स, उन पे देखिए जैसे बायोफिल केमिकल हो गया, LASA हो गया और CG पावर हो गया, उसकी भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ विस्तार से समझा रखा है। आइए फिर इस वाले शेयर पे बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे सुबेक्स पे मैंने 14 अक्टूबर की वीडियो में बताया था आपको, 14.50 रुपए पे चल रहा था उस टाइम पे, बहुत अच्छी वैल्यू थी। मैंने आपको बताया था बाई करके चलिए, बहुत शानदार। उसके बाद तो उसके अगले दिन ही काफी अच्छी मूवमेंट आई इसमें। फिर आप देखिए ये 22.85 रुपीज पे चल रहा है। उस टाइम पे देखिए फाइनेंशियल कंडीशन कुछ एवरेज वैल्यूम जो है 10 डेज का वो 4.873 मिलियन के करीब था। 52 वीक हाई एकदम उसी वैल्यू पे चल रहा था 14.50 रुपीज। 52 वीक लो जो है 2 रुपए था। तो इस तरीके से 100% से ज्यादा रिटर्न देने वाला ये शेयर बनता है। आइए अब इसकी करंट वैल्यूज पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सुबेक्स लिमिटेड जो है 22.75 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रहा है, मार्केट जब क्लोज हुई है 27 नवंबर को। EPS जो चल रहा है वो माइनस में 4.5 है। मार्केट कैपिटल जो है 11.184 बिलियन है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। आइए इसकी अब की फाइनेंशियल कंडीशंस को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जैसा कि मैंने आपको बताया 11.184 बिलियन के करीब है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1000 से ऊपर है। नंबर ऑफ शेयर जो है वो 99,000 के करीब है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है 99,000 के करीब है। एवरेज वैल्यू में देखिए ग्रोथ आ चुकी है, पिछली बार 4 कुछ था, अब देखिए 5.824 मिलियन के करीब हो गया है। 52 वीक हाई बहुत शानदार इंक्रीज हुआ है 23.50 रुपए। 52 वीक लो तो सेम ही रहेगा 2.90 रुपए। आइए इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत शानदार रिटर्न आए हैं। देखिए जून क्वार्टर में भी बहुत गजब की रिकवरी थी पिछले लास्ट ईयर से, और इस बार भी बहुत तगड़ा अच्छा आया है लास्ट ईयर से, और पिछले क्वार्टर से भी बढ़ोतरी हुई है इस क्वार्टर में। देखिए जून क्वार्टर का जो रेवेन्यू है 887 मिलियन के करीब है, इस बार का रेवेन्यू जो है 932 मिलियन के करीब है। नेट इनकम में भी लास्ट टाइम से गिरावट आई है, देखिए 151 मिलियन के करीब था, बट लास्ट क्वार्टर से गिरावट आई है, बट लास्ट ईयर से अच्छी खासी रिकवरी है। तो ये इस तरीके से कंपनी काफी अच्छी दिख रही है। देखिए कंपनी का मुनाफा बहुत शानदार हो रहा है, तो इसी वजह से कंपनी, देखिए जब कंपनी का मुनाफा शानदार होता है तभी वो ग्रोथ भी करती है। आइए इसके रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए मंथली रिटर्न जो है 34% के करीब है, ईयरली रिटर्न जो है 309% के करीब है, मतलब 300 से ज्यादा का रिटर्न ये कंपनी दे रही है आपको ईयरली बेसिस पे। तो इस तरीके से बहुत शानदार आ जाती है। आइए इसकी प्रोफाइल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का है, इंडस्ट्री पैक्ड सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर जो पैकेजिंग होती है उस पर काम करती है। सुबेक्स लिमिटेड इंगेज करती है बिजनेस जो इनका सिस्टम कम्युनिकेशन का है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके पोर्टफोलियो में पावर ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस आ जाता है, सेंटर्स सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ये देखिए फ्रॉड मैनेजमेंट, एसेट इंश्योरेंस, कैपेसिटी मैनेजमेंट, डाटा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए कंपनी जो फाउंड की गई थी 25 साल से ऊपर हो चुके हैं कंपनी को, 1992 में फाउंड की गई थी, हेडक्वार्टर बैंगलोर अपने इंडिया में है। आइए इसके ऊपर जो टेक्निकली कॉल निकल के आती है उसका जो, जैसे देखिए मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर मूविंग एवरेज, उसके टॉल पेविटॉल, उससे रिजल्ट डिसाइड होता है कि बायर्स को बाय सेल या होल्ड करके चलना चाहिए। तो देखिए जो अभी NSE में देखिए थोड़ा ही टाइम हुआ है रजिस्टर्ड हुए, तो चार्ट में कुछ भी इतना खास नहीं है, तो इसीलिए हम लोग BSE का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि सेम वही चार्ट उठा के यहाँ पे भी चलना शुरू हो गया है। तो देखिए BSE के चार्ट में क्लियर बन रहा है कि बाय ऑन डिप करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पिछले जो नीचे के दो क्वार्टर बन रहे हैं
वो देखिए अपवर्ड है, तो एक बार वहां पे अब देखिए उतना हाई टच कर लिया है इसने, मतलब 22 रुपीज 85 पैसे से तक जा चुका है, तो अब इसमें गिरावट आएगी, उसके बाद आपको बाय ऑन डिप करके चलना है ताकि आपका अच्छा खासा मुनाफा हो। तो बाय ऑफ डिप की कॉल रहेगी और ओवरऑल कॉल जो आ रही है टेक्निकली वो भी बाय की है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इस शेयर से रिलेटेड या किसी शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर मैंशन करिएगा।